कांटों में चलकर मुस्कुराना है जिंदगी, तूफान में बहकर साहिल को पाना है जिंदगी। मुश्किलें आएंगी बहुत इन राहों में, लेकिन गिरकर फिर खड़े हो जाने का नाम है जिंदगी। दोस्तों, मुश्किलों से डरोगे तो रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। किसी भी काम को अगर आप मेहनत, लगन और एक अच्छी सोच के साथ करेंगे तो वो सफल जरूर होगा। किसी भी काम को अगर आप करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो जीत जरूर मिलती है। और ऐसा कहा भी जाता है दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, जीत खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। इसी सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का स्वागत है सुप्रभात धरती धोरारी में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। और मैं हूं विचार व्यास। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक खास शख्सियत से जिनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता जी। आप DIG हैं राजस्थान पुलिस में। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है अशोक कुमार जी। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अशोक जी, बहुत सारी बातें आज हम आपसे करेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आपका अब तक का सफर। आपके जीवन का एक सफर जो हमने देखा, और भी इस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका दूरदर्शन में आप आए, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मैं दूरदर्शन परिवार का एक सदस्य हो गया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं फिर से दूरदर्शन में यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि ये जनता के साथ, लोगों के साथ सीधा एक जुड़ने का एक बहुत अच्छा साधन है। एक कनेक्शन हो जाता है और अपनी बात जो कहनी है वो सीधे हम जनता को पहुंचा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार दूरदर्शन पे आना मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर, अशोक जी, बहुत सी जिम्मेदारियां होती है आपके ऊपर, आपका काम आसान नहीं होता। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? अभी मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं अभी SP था और इसी 1 जनवरी को मैं DIG के रूप में पदोन्नत हुआ हूँ, और मुझे प्लानिंग एंड वेलफेयर विभाग में जिम्मेदारी दी गई है। अभी मैंने हालांकि वहां पर कार्यग्रहण नहीं किया है, लेकिन वहां पर एक अलग तरह की जिम्मेदारी है, अलग तरह का काम है, जो एक रूटीन का जो पुलिस का काम है उससे अलग हटके वहां पर काम है। खास तौर से जैसे पुलिस के वेलफेयर का काम, किस तरह से हम हमारे जवानों का ज़्यादा ज़्यादा वेलफेयर कर सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरह से पुलिस का सारा बजट का सारा काम, जितनी खरीद होती है पुलिस के लिए, जैसे पूरे स्टेट में जो गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, वर्दी खरीदी जाती है, ये सारा का प्रोक्योरमेंट का सारा काम वहाँ पर होता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, और अभी जब काम देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है और लीक से हट के जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। अशोक जी, बहुत सी जिम्मेदारी, जैसा कि आपने बताया कि आसान नहीं होता आप लोगों का काम, लेकिन किन किन चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ता है, क्या माइंडसेट होता है आप लोगों का? मैं याद करूं तो वास्तव में बड़ा बहुत अलग हटके जॉब है ये पुलिस का, और इतनी चुनौतियां आती हैं, इतनी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं याद करूँ कि मैं जब शुरू में फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था और मैं ट्रेनिंग में गया था, पाली जिले में एक बहुत छोटा सा कस्बा है नाना, वहाँ पर मैं गया था। जी, तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया ही था, ट्रेनिंग का दूसरा तीसरा दिन था, एक इन्फॉर्मेशन आई कि किसी महिला ने सुसाइड कर लिया, वहाँ गए। फिर थोड़े दिन बाद एक सूचना आई कि कोई आदमी ट्रेन से कट गया, वो सीन तो मुझे आज भी बिल्कुल द्रवित कर देता है। उस जो आदमी ट्रेन से कटा था, वो सुसाइडल अटेम्प्ट था उसका, और उसका एक हाथ कहीं, एक पैर कहीं, बहुत इतना मन में एक
एक गिल्टी फील खुद के मन में आता है कि आदमी क्यों ऐसा करता है, अपने जीवन को ऐसे ख़त्म क्यों कर लेता है, अपनी एक हंसता और खिलखिलाता जीवन उसका एक एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तो ऐसे दृश्य फिर तो रूटीन हो गया। शुरू में बहुत अटपटा लगा, ऐसा लगा कि ये क्या हो क्या रहा है। अब धीरे धीरे रूटीन जरूर हो गया है, लेकिन बहुत अजीब लगता है इस तरह की घटनाएं देख के, सुन के और जा करके वहाँ मौका देख के। बिल्कुल जाहिर सी बात है अशोक जी कि आपका काम आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, अब तो आपका रूटीन में आदत हो गई है आप लोगों को इन सब चीज़ों की, लेकिन आपसे पूछूं सबसे टफेस्ट पार्ट अगर आपके जॉब का कौन सा है? टफेस्ट पार्ट की बात करें तो जब सिचुएशन कई बार जनता में किसी बात को लेकर के उद्वेग आ जाता है, उबाल आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब होती हैं, जब कानून व्यवस्था की सिचुएशन होती हैं, जैसे मैं अभी यहाँ डीसीपी वैश था, तो उस समय जैसे आनंद पाल एपिसोड हुआ या पद्मावत एपिसोड हुआ या दूसरे और कई तरह के ऐसे एपिसोड हुए, वहाँ पर जैसे आनंद पाल एपिसोड था, मैं जिस इलाके में डीसीपी था उस इलाके में काफ़ी ये आंदोलन जो है वो काफ़ी उग्र रूप में था। वहाँ पर हमारे भी यहाँ पर एक दो ऐसी इंसिडेंट हुई, जैसे हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, तो उस स्थिति में बैलेंस रख के आप कैसे लोगों से आप जुड़ सकते हैं? मतलब हर चीज़ का समाधान ये नहीं होता कि आप किसी को मारपीट कर दें, आप लाठी चार्ज कर दें, आप उनके सामने हो जाए। लोगों को समझाना, लोगों को टैकल करना, उनसे जुड़ना और उनको उनके नेताओं से बात करना, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम सोचते हैं फोर्सफुली उसको निपट लें, ये बिल्कुल इसका उचित विकल्प नहीं है। हमेशा कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए, लोगों से संवाद, लोगों से संवादहीनता होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है पुलिस की नौकरी में। बिल्कुल ठीक बात है सर। जिस प्रकार से आप अपने एक जनरेशन एक गैप देखते होंगे, अब जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब वाले जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनमें किस तरह का आप बदलाव देखते हैं? क्या वो एक सर्विस के लिए आ रहे हैं या वाकई वो सेवा भाव से आ रहे हैं या मन में दृढ़ निश्चय लेके आ रहे हैं? मैं इस पे बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये जो है सेवा भाव वाला, और ये जो है ये आज भी वैसा ही है, पहले भी ऐसा ही था, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। मैं परिवर्तन जिस दिशा में मानता हूँ ये कि नए लोग जो आ रहे हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज ज़्यादा है, साइबर क्राइम की उनमें ज़्यादा समझ है, और कुल मिलाकर के जो वर्तमान तरह के जो क्राइम है वो थोड़ा सा उनकी हैंडलिंग जो नई पीढ़ी आ रही है वो ज़्यादा ठीक तरीके से कर सकती है। पुरानी पीढ़ी को थोड़ा सा इतना इस टेक्निकल नॉलेज जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। बाकी सेवा और ये जो है ये तो मैं ये मानता हूँ कि ये आदमी को परिवार से माहौल मिलता है, वो कहाँ पला है, कहाँ बड़ा है, कहाँ पढ़ा है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और उन्हीं से ही ये तय होता है कि वो आदमी आगे जाके किस तरह का संकल्प पूरा करेगा। जी अशोक जी, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का आपको बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, एक तरफा नहीं देखना पड़ता है आपको, दोनों चीज़ों को सिचुएशन को देखना पड़ता है। जब भी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है आपकी? फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आदमी को न्याय मिले। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप काम निष्पक्षता से करें, न केवल आप निष्पक्षता से काम करें बल्कि लोगों को ये लगना चाहिए कि ये आदमी निष्पक्ष है। आपकी एक इमेज इस तरह की बने। मेरा ये मानना है कि पुलिस में एक इमेज, किसी भी और सरकारी डिपार्टमेंट में एक इमेज ऐसी होनी चाहिए कि ये आदमी काम जो करेगा वो निष्पक्षता से करेगा और आदमी को न्याय मिलेगा। यदि ये आपकी थ्योरी है और इसको आप फुलफिल कर पाते हैं तो फिर आपका उद्देश्य पूरा है। और मैं ये मानता हूं कि आप जब किसी को न्याय देते हैं आप खुद के मन में संतुष्टि की भावना आती है कि हाँ हमने किसी आदमी के साथ न्याय किया। सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने बताया, मेरे सहयोगी ने बताया कि कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, लेकिन क्राइम में भी परिवर्तन आ रहा है और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है। एज अ डीआईजी आप इसे किस तरीके से देखते हैं? साइबर क्राइम अभी भी मैं भी कई बार सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इतना सारा जैसे आता है कि आप किसी को एटीएम का पिन कार्ड नहीं बताएंगे, कई बैंक्स जो हैं आपको एसएमएस करते हैं, अखबारों में आता है, उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसके ऐसे चंगुल में आ जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कई बार कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग
तो ये एटीएम का पिन बताना, इसी तरह से दूसरी तरह की और ऑनलाइन धोखाधड़ी की कई चीजें होती हैं। ओएलएक्स पे चल रहा है जी जी, कि आप पुरानी चीज बेचिए। भरतपुर में इस तरह की गैंग चलती है, अलवर में इस तरह की गैंग चलती है, वो ओएलएक्स पे विज्ञापन देते हैं कि आप पुरानी चीज इतना लालच देते हैं, लोग आ जाते हैं उनके चंगुल में फंस जाते हैं। सबको पता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और बहुत मतलब इनका प्रचार प्रसार भी खूब है, उसके बावजूद भी आदमी और उनमें फंस जाता है, कहीं कोई ग्रीड या कोई ना कोई कोई ऐसी चीज होती है कि उसके चक्कर में वो फंस जाता है। तो मेरा तो यही रहेगा कि ये सावधानी रखें, कोई भी बैंक किसी तरह का आपका कार्ड का नंबर या कुछ भी नहीं पूछता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और आप किसी भी साइट से कोई भी ट्रांजेक्शन कुछ भी कर रहे हैं तो सोच विचार के करें, हमेशा ये नहीं है कि हर साइट पे सही लोग होते हैं। बहुत अच्छी बात बताई, और मेरे दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अशोक जी ने जो बातें आपको बताई है वो नोट कीजिए कि बैंक कोई भी आपकी डिटेल नहीं मांगता है, अपना ओटीपी शेयर मत कीजिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए आपको, जिससे कि आपका जो क्राइम है, और मेरा तो मानना है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही परिवर्तन आते हैं। अशोक जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन पुलिस विभाग जो है वो आम जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, क्योंकि जब तक एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं होगा लोग बाग अपनी समस्याएं आपके पास नहीं बताएंगे। तो आपके विभाग द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है इस मामले में? हमारे विभाग ने आज से कोई 15 साल पहले CLG का एक सिस्टम शुरू किया था, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप। ये जन सहभागिता का एक बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि एक स्टेप था इसकी तरफ जी, और ये आज भी बहुत अच्छी गति से चल रहा है। मैं बात करूं, जैसे मैं अभी DCP वेस्ट था, तो हमारा एक बगरू थाना है, उस बगरू थाने में हमने एक नया सिस्टम शुरू किया। हमने लगभग 50 लोगों को वहाँ पुलिस मित्र बनाया, लगभग 50 लोग हमारे साथ वहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनको हमने पुलिस मित्र नाम दिया जी। वो रोजाना हमारे लिए काम करते हैं, रात को रोजाना कम से कम उनमें से 7-8 लड़के यंग हैं, सारे के सारे 20 से 30 और 35 की एज के सारे लड़के हैं। रात को कम से कम 7-8 लड़के बगरू कस्बे में नाइट पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं डेली। मतलब हमारी पुलिस तो हम तो निकलते ही हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं, वो भी वहाँ पे निकलते हैं जी। इसके अलावा जैसे वहाँ एक्सीडेंट्स खूब होते हैं, वो हाईवे है तो एक्सीडेंट्स खूब होते हैं, एक्सीडेंट होते ही वो लोग तुरंत पहुँच जाते हैं। कोई हमारा इंतजाम होता है, जैसे कोई मेला है कोई और है, तो वो तुरंत हमारी व्यवस्था में हमारे सहयोग के लिए आ जाते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम वहाँ पर बगरू कस्बे में है, आज 50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए। वहाँ का क्राइम लगभग जो क्राइम है वो उसमें कम से कम भी लास्ट ईयर 15% की कमी आई। चोरियां होना बंद हो गया कस्बे में, चोरियों का नाम ही नहीं है, कोई चोरी नहीं होती है कस्बे में, लंबे अरसे से कोई चोरी नहीं हुई। तो ये क्या है कि ये लोगों का विश्वास हम में है, हमारा विश्वास उनमें, हम उनसे जुड़े, हम जुड़े तो न केवल हमें लाभ हुआ पब्लिक को लाभ हुआ। और एक धारणा जो पुलिस के प्रति होती है कि साहब पुलिस तो ऐसी है, पुलिस ऐसी है, तो ये धारणा खत्म होती है अब लोग। कल जब मेरा ये प्रमोशन हुआ तो वो लोग सारे पुलिस मित्र मुझे बधाई देने भी आए जी, और मेरे ऑफिस में वो बड़े खुश थे। उनको ये सपने भी नहीं सोचते कि साहब हम एक SP लेवल के आदमी से ऐसे आके सीधे आके मिल सकते हैं जी, जी, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारे विभाग ने ये चीजें शुरू की हैं, और हमारे नए DGP साहब ने भी कहा है कि ये पुलिस मित्र जो स्कीम है ये बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आपने बताया कि लोग भी अपनी सहभागिता अपनी भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे जब आप विभिन्न जगहों पर आप कार्यरत होते हैं काम करते हैं, तो ऐसे में विभिन्न संगठनों से आपका मेल मिलाप भी होता है, नए नए इंटेलेक्चुअल लोगों से आपका परिचय होता है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ एक सामाजिक भूमिका में भी देखते हैं कि भाई मैं एक पुलिसिंग के अलावा मैं एक आम व्यक्ति की तरह से एक अपने सरोकार भी जो है वो किस प्रकार से निभाता चलूं, तो एक लंबा परिचय आपका बनता जाता है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? बिल्कुल, और मैं ये मानता हूँ जुड़ना चाहिए, लेकिन इस मामले में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। कई लोग क्या है कि पुलिस से जुड़ करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं जी, जी। वो आपको बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन अच्छी संस्थाओं से जुड़े वहां जाएं। जैसे एक मैं अभी गया, सुरमन संस्था है यहाँ जयपुर में वैशाली नगर में, वो अनाथ बच्चों को पालती है, बचपन से उनको अडॉप्ट करती है, जैसे कोई बच्चा मिल गया सड़क पे, मिल गया ये मिल गया, उनको लाके बचपन से पालते हैं। अभी मैं 5-7 दिन पहले वहां पर गया था, तो वहां गए बच्चों से मिले, तो बच्चों को भी अच्छा फील आता है, हमें भी अच्छा फील आता है। तो इस तरह की ये बहुत ऐसे कार्य चल रहे हैं समाज में, कई NGOs हैं, कई लोग पर्सनल लेवल पे चला रहे हैं,
तो आप वहाँ जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो एक अलग क्रेज आता है और लोगों में एक उत्साह होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी उत्साह आता है कि हमारे यहाँ कोई आके हमारे काम को और हमें मान्यता दे रहा है, हमारे काम को, हमारे कमिटमेंट को, और वो लोग हमें एक तरह से पूरा कर रहे हैं। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि कहीं ना कहीं जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अशोक जी, पुलिस विभाग का एक स्लोगन भी है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, आप किस तरीके से देखते हैं और इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं? देखिए, आम जन में विश्वास तभी पैदा होगा कि लोगों को ये लगे कि इस आदमी से मिलना बहुत आसान जी है। मैं बहुत बार, कई बार सुनने में आता है, देखने में आता है, साहब ऑफिसर्स कई मिलते नहीं हैं, पब्लिक के बीच जाते नहीं हैं, पब्लिक उनसे मिलने जाती है तो वहाँ पर उनसे मिलने में कठिनाई होती है। आम जन में विश्वास, मैं फिर कहता हूँ कि तभी आ सकता है जब पब्लिक को ये लगे कि किसी भी आदमी की, किसी भी ऑफिसर की, किसी भी पुलिस ऑफिसर की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। मैंने मेरे नौकरी में ये सबसे बड़ा सिद्धांत बनाया है कि मेरे यहाँ यदि कोई मिलने वाला आता है मेरे ऑफिस में, मैं उसको एक मिनट भी वेट नहीं करवाता, मैं तुरंत उसकी बात सुनता हूँ, उसके सामने ही, जहाँ जिस थाने की समस्या है उस थाने में उसके सामने ही फ़ोन करता हूँ, क्या है क्या नहीं है उसको पूरी डिटेल बताता हूँ, ताकि उसको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात, वो आदमी कितना सही है कितना गलत है, और उसकी समस्या का समाधान तुरंत करने की कोशिश करता हूँ। यदि आप ये कर देंगे, मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक डॉक्टर होता है, एक कहते हैं ये, और है ये प्रैक्टिकल है, कि डॉक्टर के पास कोई बीमार व्यक्ति जाता है तो 80% तो उसकी बोली से ठीक हो जाता है और 20% उसकी गोली से ठीक होता है, तो बोली और गोली इनका रेशियो है। तो पुलिस के पास तो आदमी ये कल्पना लेके जाता है कि साहब वहां तो पता नहीं मेरे को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मेरे को कैसे वहां बिठाया जाएगा कि नहीं बिठाया जाएगा, मुझे पानी पिलाया जाएगा कि नहीं पिलाया जाएगा। पुलिस के बारे में तो आदमी की अवधारणा इस तरह की होती है, तो वहां जाकर के आप उससे प्रेम से बात कर लें, आपके पास आया और आप उसको बिठा दें कुर्सी पर, पानी, कई बार मैं देखता हूँ मेरे पास लोग आते हैं ऑफिस में, वो नीचे बैठ जाते हैं, नीचे फ्लोर पे, आंगन पे बैठ जाते हैं, उनको कल्पना, मैंने कहा भाई ये कुर्सियां किस लिए हैं, ये कुर्सियां आप लोगों के लिए ही हैं। जी जी, तो बड़े हिचकिचास के साथ वो कुर्सी पे बैठते हैं, इस तरह की धारणा है लोगों की। तो पुलिस के सामने तो आप थोड़ा सा आदमी से अच्छी बात कर लें, उसी में वो तो खुश होकर चला। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है ना अंकित की, पुट योर सेल्फ इन टू अदर शूज, यानी कि जब तक आप अपने आप को दूसरे के जूते में रख के नहीं देखेंगे तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या पीड़ा है, तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तब कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपके मन में भी इमोशंस आते होंगे, कई बार आप ऐसे ऐसे केस को हैंडल करते हैं, कई बार आप देखते हैं कि नहीं बहुत गलत हुआ, या तो क्या आपके मन में उस तरह के इमोशंस तैरते हैं उस समय, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करके और फिर आगे बढ़ते हैं? होते हैं इमोशंस, तो आदमी है, आदमी का स्वभाव है, इमोशंस तो सब में होते हैं, इनके बिना तो आदमी फिर जिंदा आदमी का कोई मतलब नहीं। तो इमोशंस आते हैं, बहुत तरह की इस तरह की घटनाएं आती हैं, कोई जैसे कई बार बुजुर्ग लोग आते हैं, 80 साल का बुजुर्ग आया, साहब मेरे बेटे बहू मुझे पीटते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फैमिली मैटर्स आते हैं, पति पत्नी के झगड़े आते हैं, मेरे साथ मारपीट होती है, ये होती है, बहुत तरह के ऐसे, मैं कई बार ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, लोग आके बताते हैं, तो बड़ा वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा मन द्रवित और पीड़ित होता है, ऐसा भावनाएं ऐसी आते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है, जितना कानून के दायरे में हम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये इनको ट्रेन भी किया जाता है कि किस तरीके से इमोशंस को अलग रखे जाए और काम को अलग रखे जाए। अशोक जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके से एक सेफ सोसाइटी बनाई जा सकती है, और आपको क्या लगता है हमारी समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? समाज की भूमिका, जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस मित्र बगरू, ये समाज की भूमिका है। लोग जुड़ें पुलिस के साथ, पुलिस का सहयोग करें, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। कई बार क्या होता है कि ये होता है जैसे कि साहब ये काम तो पुलिस का ही है, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट प्लेस, अब मार्केट प्लेस है साहब, उसकी सुरक्षा दिन रात होनी चाहिए। लोगों में क्या रहता है कि साहब ये तो पुलिस का काम है, केवल और केवल पुलिस का काम। देखिए ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी है, हमें पूरा करना है, ये बिल्कुल तय बात है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज जितने हैं, हम रिसोर्सेज के हिसाब से हमारी जिम्मेदारी पूरी कर पाए। जी बिल्कुल, तो हमारी अपेक्षा ये रहती है कि लोग हमारे साथ जुड़े जी, सुरक्षा में वो हमारे साथ जुड़े, वो भी प्रहरी बने। मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ, कई बार हमारे पास आते हैं कि साहब दो पड़ोसी झगड़ रहे, वो एक दूसरे पे लगे, एक पार्टी आई
कई बार बहुत बार ऐसा होता है अनायास एक पार्टी सुबह आई उसकी अगेंस्ट पार्टी दोपहर बाद आई, दोपहर बाद आई, वो सुबह उनकी बुराई करके गए कि साहब ये ऐसे करते हैं रोज झगड़ते हैं ये करते हैं, वो उनकी बुराई करके गए साहब वो झगड़ते हैं, बहुत टिपिकल होता होगा। अब इसका जजमेंट, अच्छा झगड़ा कुछ नहीं है, मारपीट कुछ नहीं हुई, केवल बोलचाल होती है, वो कुछ कहते हैं किसी ने पानी डाल दिया किसी ने डाल दिया, तो मैं बहुत बार उनको कहता हूँ भाई इसका सबसे अच्छा समाधान है आप उनको बुरा बता रहे हैं वो उनको, आप दोनों सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए घर पे, आप भी लगा लीजिए घर पे सीसीटीवी कैमरे और वो भी लगा ले, हमें कोई निर्णय नहीं करना है, अपने आप पता चल जाएगा कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। बहुत सी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात बताई कि समाज एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि मकर संक्रांति भी आ रही है तो क्यों ना हमारे दर्शकों को वो मैसेज भी दिखा देते हैं। आइए चलते हैं, पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे। उत्सव का हमारी भारतीय परंपरा में एक खास महत्व है, सर्दी के साथ साथ अभी मौसम चल रहा है पतंगबाजी का भी, पतंगबाजी का पूरा आनंद लीजिए, लेकिन पंछियों का भी थोड़ा ध्यान रखिए जो पतंग की डोर में उलझकर कई बार घायल हो जाते हैं, खासकर सुबह और शाम को, सुबह जब वो अपने घरौंदे छोड़कर उड़ते हैं और शाम को जब वो वापस लौटते हैं, उस वक्त अगर हम थोड़ी देर पतंग ना उड़ाएं तो शायद हम इन्हें घायल होने से बचा सकते हैं। पतंगबाजी की बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जेपी गुप्ता ने बताया, पतंगबाजी का त्यौहार एक शौक है, आने वाले पिछले कुछ सालों के अंदर जो चाइना से जो डोर आने लगी, चाइनीज मांजा जिसको अपन कहते हैं, क्योंकि वो ग्लास पाउडर से बना होता है, उससे वो बहुत ही शार्प एज होते हैं उसके, तो उससे जो भी संपर्क में आता है चाहे वो पक्षी हो चाहे इंसान हो उसके कटने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आने वाली संक्रांति पे एक तो चाइनीज मांजा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, अपने जो कॉटन की जो सद्दा होती है उससे पतंग उड़ाएं, उससे अपना शौक पूरा करें। दूसरा सुबह स्पेशली सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है पक्षियों का टाइम होता है, जो घर से निकलते हैं और शाम को वापस अपने घर पे जाते हैं, और हर साल हजारों हजारों पक्षी बहुत बुरी तरह इसमें घायल हो जाते हैं पतंग की डोर से, क्योंकि मांजे की धार बहुत तीखी होती है और जैसे कोई पक्षी उसमें संपर्क में आता है उनके पर कट जाते हैं और वो काफ़ी घायल हो जाते हैं, कई पक्षी मर भी जाते हैं। इसके अलावा पिछले सालों में बहुत सारे स्पेशली जो टू व्हीलर्स पर लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उनकी गर्दन पे एकदम से तेज़ी से मांजा घिसता है तो गर्दन कट जाती है और कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो इस संक्रांति को खुशी से मनाने के लिए मेरा सबसे यही संदेश है मेरा कि आप लोग इस त्यौहार को सादगी से मनाएं, चाइनीज मांजे का उपयोग नहीं करें, और जो सुबह और शाम का टाइम है जो कि जिसमें पक्षी बाहर निकलते हैं और अपने घर जाते हैं, इसके अलावा सब लोग अपने ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर जाते हैं, उस समय पतंगबाजी बिल्कुल भी ना करें, उस ताकि लोग घायल नहीं हो और इस त्यौहार को बहुत खुशी के साथ मनाया जा सके। बहुत सारे जो बच्चे हैं स्पेशली वो सड़क पे पतंग लूटते हैं और वो पतंग लूटने में इतने मगन हो जाते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी का ध्यान नहीं रहता, कई लोग बस या स्कूटर की या कारों की चपेट में आ जाते हैं, वो सड़क क्रॉस करते हैं पतंग की तरफ देखते हुए, कौन सा व्हीकल आ रहा है उसको नहीं देखते हैं और वो भागते हुए पतंग पर ध्यान रहता है, तो इससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार कई लोग ट्रेन की चपेट में आते हैं, रेल की पटरियों के ऊपर भी पतंग को लूटते हैं, तो एक पतंग की कीमत 2 रुपये 5 रुपये होती है और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा देते हैं। तो उन सब लोगों से निवेदन है कि आप कृपया इस तरह से कोई भी पतंगबाजी सड़क पर ना करें ना लूटें, अगर कोई भी पतंग लूटनी है तो अपने घर में ही करें ताकि अपनी ज़िंदगी सेफ हो सके, 2 रुपये 5 रुपये पतंग के पीछे अपनी ज़िंदगी दाव पे ना लगे। स्वागत है एक बार आपका वापस से सुप्रभात धरती धौरारी में, और आज हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार गुप्ता जी से जो कि DIG हैं राजस्थान पुलिस में। सर, जिस प्रकार से हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने भी संदेश दिया और उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से संक्रांति का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में आपका भी कोई संदेश आप देना चाहें? हमारा संदेश तो है पुलिस की तरफ से, तो मकर संक्रांति में हम हमेशा संदेश देते हैं और हमने तो ऑर्डर्स भी निकाले हैं 144 में, कोई चाइनीज माजा ने किसी तरह से उसने कोई बिक्री होगी और न कोई उसका यूज़ होगा, क्योंकि चाइनीज माझा जो है इसने संक्रांति की रंगत को काफ़ी बिगाड़ा है। हालांकि लोगों में अवेयरनेस आई है लेकिन इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में एक दो जाने भी गई हैं और पक्षी तो घायल बड़ी संख्या में होते हैं, तो
ये भी एक बहुत, जिस तरह से कई बार अखबारों में फोटो भी आते हैं उसके, बहुत अजीब लगता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी चाइनीज मांझे का यूज़ होता है, चोरी छिपे यूज़ होता है। तो मैं जनता से, लोगों से यही अपील करूंगा, पतंग उड़ाने वालों से अपील करूंगा कि इस मांझे का बिल्कुल उपयोग नहीं करें। और दूसरा मेरा ये रहेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह सुबह पक्षियों का आवागमन होता है, शाम को आवागमन होता है, उस समय विशेष रूप से प्रतिबंधित रहे, उस समय पतंग बिल्कुल नहीं उड़ाएं। उड़ाएं, पतंग उड़ाना बहुत अच्छा त्यौहार है और उत्साह का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है, जरूर मनाएं, लेकिन उसकी वजह से, त्यौहार की वजह से किसी दूसरे की रंग में भंगना पड़े। तो जिस प्रकार से आप सबने जाना, डॉक्टर साहब ने भी हिदायत दी, तो अंकित आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से मांझे का इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं ना कहीं कई बार जब आदमी टू व्हीलर भी ड्राइव करता है और अचानक से कहीं से मांझा आता है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, छोटी चीज है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जब भी हम जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि टू व्हीलर में जाएं, तो अपने आप को कवर करके जाएं, क्योंकि आपको भी पता नहीं होता है कि कब मंजा आ जाए और आपकी गर्दन कट जाए। जैसा कि हमारे गेस्ट ने बताया, डीआईजी साहब ने बताया कि पक्षियों का ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जहाँ भी दिखते हैं पक्षियाँ, तो उनको आप हॉस्पिटल लेके जाएं। बर्ड हॉस्पिटल्स होते हैं आजकल, स्पेशल बर्ड हॉस्पिटल्स भी लगाए जाते हैं, उनको वहाँ पर जाइए, उनको थोड़ा ट्रीटमेंट कीजिए। तो ये तमाम बातें होती हैं जो ध्यान रखना चाहिए। कई बार हेल्पलाइन नंबर्स भी गवर्नमेंट भी जो है या निजी संस्थाएँ भी हैं वो भी जारी करती हैं, तो हमें इतना फेसबुक और हम इतने सोशल साइट्स को विजिट करते हैं, तो कम से कम हमको पता भी होने चाहिए कि हमारे जयपुर में क्या नंबर्स हैं, जोधपुर में क्या नंबर्स हैं, उदयपुर में क्या नंबर्स हैं, ताकि हम खुद कुछ नहीं मदद नहीं कर सकें, तो कम से कम उनको तो मौके पे बुला करके और उनकी घायल पक्षियों की मदद। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो समझदार है, डिजिटल है, कहीं ना कहीं सभी चीज़ें ध्यान रखेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, पतंगबाजी का जिक्र हो रहा है, बचपन में पतंगबाजी करी? पतंगबाजी कम की मैंने, पतंगबाजी हमारे, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, गांव में, छोटे से गांव में जन्म हुआ, वहां पतंगबाजी इतनी लोकप्रिय नहीं थी, अब तो पॉपुलर है काफ़ी, लेकिन जब हम बचपन में थे तो उस समय वहां पतंगबाजी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थी। दूसरी तरह के जो एक ग्रामीण खेल होते हैं, गिल्ली डंडा है या इस तरह के खेल ज़्यादा संक्रांत पे वो चलते थे बजाय पतंगबाजी। जी अशोक जी, कहीं ना कहीं जीवन की सफ़र की बात हो, बचपन का जिक्र ना हो तो वो सफर थोड़ा सा अधूरा होता है। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हुई? मेरा जन्म झुंझुनू जिले में एक छोटा सा गांव है खेतड़ी के पास, बबई, मेरा जन्म वहाँ पर हुआ, वहाँ में स्कूलिंग मेरी वहाँ पर हुई। उसके बाद कॉलेज एजुकेशन मेरा जयपुर कॉमर्स कॉलेज से हुआ है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुआ, एमफिल भी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। जी, तो कब आपने डिसाइड किया कि आपको पुलिस विभाग में आना है, कहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्या बचपन में तय कर लिया था आपने कि आपको पुलिस विभाग में जाना है? नहीं नहीं, मैंने पुलिस विभाग के में जाने के बारे में बचपन में नहीं सोचा था, और बहुत कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब दिमाग में ये जरूर आया कि आरपीएससी की एग्जाम मुझे देनी है, लेकिन पुलिस विभाग में जाना है ऐसा मेरा कोई विचार नहीं था। लेकिन आरपीएससी की एग्जाम जब दी और फिर पुलिस की नौकरी में आए तो उसके बाद ये लगा कि हम सही जगह है। फिर इसे कुछ ना कुछ तो एक प्रेरणा होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्विस का एक चार्म होता है, यूनिफॉर्म सर्विस में आदमी जाना चाहता है, तो यूनिफॉर्म सर्विस ही आपने क्यों चुनी? नहीं, ऐसा कोई मुझे, मतलब कॉलेज एजुकेशन के समय भी कोई यूनिफॉर्म सर्विस में ही मुझे जाना है ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बाद में दिमाग में ये रहा कि यूनिफॉर्म सर्विस जब होती है तो ये बात सच है, मैं आज इसको फील भी करता हूँ, महसूस करता हूँ मैं आज इसको कि वास्तव में यहाँ आकर के जनता की ज्यादा अच्छे तरीके से सेवा की जा सकती है, ये बात बिल्कुल सत्य है यदि कोई करना चाहे। जी जी, एक सीधा संवाद महसूस किया जाता है। और एक और बात बता दूं कि अशोक जी गांव के ऐसे पहले बच्चे थे जो जयपुर आके पढ़ाई की थी, ये सत्य है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि उस समय जब मैं 1980 में यहाँ जयपुर में पढ़ने आया था, 1980 में, तो गांव से कोई भी स्टूडेंट जो है स्कूल से निकल के सीधे कॉलेज में जयपुर में पढ़ने के लिए नहीं आया था। मैं पहला स्टूडेंट था कि मुझे घर वालों ने ये मुझे अवसर मुहैया करवाया कि मैं यहाँ जयपुर में आके पढ़ाई कर सकूँ। जयपुर में आने के बाद ये बात सही है कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आसान नहीं होगा गाँव से जयपुर आना, उस वक्त का दौर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत मुश्किलात आई होगी, क्योंकि एक जगह आप एक दूसरी जगह से एक दूसरी जगह जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। सच पूछो तो बहुत बुरा लगा कि यहाँ मुझे गांव से यहाँ भेज दिया गया। जी, ये मुझे शुरू में बहुत बुरा लगा क्योंकि वहाँ सारी फ्रेंड सर्किल, सारे मित्र और गांव का एक अच्छा खान पान, जीवन शैली, यहाँ आकर के खुद खाना बनाना, यहाँ तो खाना बनाना पड़ता था, घर पे खाना गाँव में बना बनाया मिल जाता था। तो यहाँ आकर के शुरू में तो मैं थोड़ा सा सेटल नहीं था और दिमाग ये करता था कि यार यहाँ क्यों भेज दिया गया, मुझे क्यों आया,
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सेटल हो गए और आज सोचता हूँ कि यदि वो नहीं होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। तो वो चैलेंजेस जो मेरे ख्याल से सर आपको उस समय जो आपने युवा अवस्था में जो फेस किए होंगे, जब एकदम नए माहौल में आप जयपुर आए राजधानी में और आपने देखा कि यहाँ तो सब बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सी लाइफ है और यहाँ पे कोई किसी का उस तरह से मदद नहीं करता, जैसे गाँव में एक अपनापन होता है, एक सादगी होती है, तो आपको कोई ऐसा किस्सा याद हो आपके युवा समय का जिसको आप आज भी याद करके और खुश होते हो कि यार वो भी क्या दिन थे और बहुत ही अच्छा लगता था? नहीं, वहाँ जैसे गांव में हमारी एक अच्छी मित्र मंडली थी और वो मित्र मंडली हम लोग मिल करके, और वहाँ बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत से ऐसी चीज़ें थी जिनको हम मिलके चलाते थे। जैसे वहाँ हमारे गांव में लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को हम मिलके चलाते थे। इसी तरह से जहाँ वहाँ हमारे गांव के आसपास ऐसे 7-8 बड़े मेले लगते हैं तो हम हमेशा वहाँ पर हमारी हम सो मोटो जा करके वहाँ हमारी सर्विसेज देते थे। भीड़ को कंट्रोल करना, पुलिस की मदद करना, ये जो चीज़ मैं आज सोचता हूँ कि पुलिस की लोगों को मदद करना चाहिए, हमने बचपन में की है इस तरह की कि वहाँ भीड़ को, क्राउड को कंट्रोल करना। तो ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ में बचपन से जुड़ने का सौभाग्य मिला और हमारी मित्र मंडली ऐसी थी कि वो लोग सब साथ बिल्कुल मित्र मंडली की बात करिए आपने, आज भी वही गर्मजोशी से मुलाकात होती है आप लोगों की? क्योंकि अब तो आप DIG बन चुके हैं तो थोड़ा परिवर्तन आया कि वही गर्मजोशी से बात होती है आप लोगों? नहीं नहीं, कोई मैं सच पूछें तो ये खैर ये एनालिसिस आप मेरे मित्रों से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं कैसे क्या उनसे। मैं आज भी मैं मानता हूँ कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ और बिल्कुल मेरे मित्र आते हैं, मैं उसी भावना से, उसी तरह से जैसे मैं बचपन में मिलता था वैसे मैं मिलता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, अशोक जी, इससे पहले आप लेक्चरर थे जब पुलिस विभाग में नहीं आए, वो दौर कैसा रहा? और आपसे जानना चाहूँगा एजुकेशन की तरह तरह की परिभाषाएं होती, आपकी एजुकेशन की क्या परिभाषा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जो आदमी पढ़ाता है बच्चों को, बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो उसकी लाइफ को देखता है कि उसका जीवन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। देखिए, ऐसा है कि मैं शिक्षा एक आदमी के निर्माण की एक नींव होती है जी। चरित्र निर्माण का एक ये जरिया है शिक्षा। तो इसलिए अध्यापक कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत बताया गया है कि साहब अध्यापक ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उसको जीवन में उतारना, तो स्वाभाविक रूप से यदि आप एक आदर्श शिक्षक हैं तो बच्चों में उसका बहुत बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका पुलिस विभाग में सिलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा ट्रेनिंग का वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की जो ट्रेनिंग होती है वन ऑफ द टफेस्ट होती है, वो दौर कैसा रहा आपके लिए? और आपके लिए मेरे ख्याल से कठिन भी रहा होगा क्योंकि आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड से रहे, तो वो दौर कैसा रहा आपका? शुरू का एक महीना बहुत खराब था ट्रेनिंग में, शुरू का हमारा एक महीना इतना, और सुबह 4 बजे उठना, मैं तो आज कल्पना भी नहीं करता कि सुबह 4 बजे रोजाना हम उठते थे। उस समय सुबह 4 बजे उठ करके सुबह शाम मिला करके 3 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज, फिर इंडोर क्लासेस। इंडोर क्लासेस में अपने आप को नींद से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि नींद वास्तव में पूरी नहीं होती। तो इस तरह का बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत टफ है, टफेस्ट है। और शुरू के एक महीने में तो इतनी परेशानी आती थी, सारे शरीर में बिल्कुल दर्द रहता था, पूरे शरीर में, लेकिन एक महीने बाद सारी चीजें रूटीन में आ गई, फिर वो इतना फील नहीं होता था। लेकिन शुरू के एक महीने में ऐसा लगता था कि ये छोड़ के भग जाए कहीं पे, यहाँ इस नौकरी में कहाँ आ गए, क्यों आ गए। सही बात है, क्योंकि कई बार सख्ती होती है तो उससे एक लगता है कि भाई इससे बचा जाए, लेकिन उससे बच नहीं सकते क्योंकि आप तो उस जॉब में अब आ ही चुके हैं। जबरदस्त अनुशासन ट्रेनिंग में, टाइम में जबरदस्त अनुशासन कि आप एक मिनट उस कैंपस को छोड़ भी नहीं सकते, आप उस कैंपस के ऊपर सारे गेट्स पे, सारे गेट्स मैंड रहते हैं, सब पे पुलिस के लोग लगे रहते हैं, आप बाहर निकल नहीं सकते, आपको निकलना है। You have to have a gate pass. आपके पास निकलने के लिए gate pass होना चाहिए, तो ही आप बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आप inside। अच्छा, उस वक्त कोई ऐसा कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ट्रेनिंग के वक्त का, क्योंकि आपने बोला टफेस्ट रहा आपके लिए भी, ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? किस्सा तो उस समय जैसे हमें जो ट्रेनिंग देते हैं वो आज भी वही सिस्टम है कि कॉन्स्टेबल या हेड कॉन्स्टेबल रैंक के लोग भी होते हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं। हम जब नौकरी में आए तो हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस थे कि हमारा सिलेक्शन एज DYSP हुआ, तो हम उससे रैंक में 3 रैंक हम उससे ऊपर हैं। जो आदमी हमें ट्रेनिंग दे रहा है उससे हम 3 रैंक ऊपर ऑलरेडी हैं। लेकिन वो हमें जिस तरह से बोलते थे
वो हमारे एक हेड कॉन्स्टेबल जो हमारे उस्ताद बोलते हैं उसको जी. तो उस्ताद जो थे वो उनकी अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी थी और बड़ी क्यूट सी अंग्रेजी थी. वो अंग्रेजी में हमें जिस तरह से बोलते थे और ऐसी डांट फटकार लगा देते, रोल डाउन, आपने गलत किया, आप इतने फ्रंट रोल चलाते हैं, इतने फ्रंट रोल लगाइए, आप मैदान के चार चक्कर लगाइए. तो कई बार हमसे भी गलतियां होती थी, तो हमने भी मैदान में चक्कर लगाए. तो काफी चक्कर लगा चुके हैं आप. और बात करूं कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का वक्त आपने निकाला, उसके बाद पहली पोस्टिंग आपको मिली. कहीं ना कहीं पहली पोस्टिंग जो होती है बहुत स्पेशल होती है और थोड़ा हेजिटेशन भी रहता है, तो पहली पोस्टिंग याद है आपको कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग मेरी आरएसी भरतपुर में थी. वहाँ पर सीधे सीधे जनता से जुड़ाव नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो हमारी यूनिट थी वो नई वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो हमें वहाँ पर काम करने का काफ़ी मौका मिला उस नई यूनिट को खड़ा करने के लिए. फील्ड की पोस्टिंग मेरी जैसलमेर की, वो मुझे आज भी बहुत याद है. और बॉर्डर एरिया था और पूरा उस समय बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं थी, तारबंदी जो आज है वो बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं थी और तस्करी बहुत ज़्यादा होती थी. तो जैसलमेर की पोस्टिंग मुझे आज भी याद है, मैं 1.5 साल रहा लेकिन बहुत अच्छे अनुभव वहाँ के रहे. और कई बार ऐसा भी होता है सर, नई नई जब लोगों को अपन देखते हैं तो और नई नई अपनी ज्वाइनिंग होती तो लगता है किस पे शक करें और किस पे विश्वास करें. तो एक ये जो मन में कई बार सवाल भी आते हैं तो उसमें कई लोग घेरे में भी आ जाते होंगे, तो ऐसे में आपको क्या कई बार ऐसा भी हुआ कुछ आपने फेसेस की ऐसी चीज़ों को कि आपने वास्तव में आपका शक यकीन में बदल गया हो? हाँ, कई बार ऐसा, मतलब शुरू शुरू में जब आप नौकरी में आते हैं, शुरू के जो अनुभव होते हैं वो अनुभव कई बार कड़वे और मीठे कई तरह के अनुभव होते हैं. कई बार आप एनालिसिस नहीं कर पाते कौन आदमी कैसा है. जैसे मैं वहाँ पर कहूँ, एक व्यक्ति मेरे पास जैसे जैसलमेर में आता था तो मैं उस पर बड़ा यकीन करने लग गया, लेकिन कुछ अनायास 10-15 दिन जब वो मेरे पास आया, लगातार आता रहा जी. तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ होना चाहिए, कुछ मुझे शक की. उसके घर में कुछ ऑर्नामेंट्स चोरी हुए थे, तो वो हमेशा आते थे, साहब हमारे घर में ऑर्नामेंट्स चोरी हो गए और आप हमारी मदद करिए, किसने किए हैं, कौन, आप पकड़िए चोर को, ये पकड़िए. तो वो लगातार मेरे पास आता रहा, मुझे पता नहीं एक दिन ज़्यादा शक हो गया जी. और मुझे ऐसा कहीं फील हुआ कि ये आदमी खुद ही दोषी है, इसने खुद नहीं किया. और अल्टीमेटली जो हमारी जब थोड़ा सा हमने उसको हिप्नोटाइज किया, शक्ति नहीं की, हमने हिप्नोटाइज किया, बहुत सी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से हमने हिप्नोटाइज किया और उसने कबूल किया कि ये उसने खुद. साइकोलॉजिकल भी डील कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल डील करना ज्यादा, मैं कहता हूँ कि ज्यादा फ्रूटफुल रहता है बजाय शक्ति. और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बात करूं अगर आपकी फैमिली की, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से फैमिली सपोर्ट रहा आपको? फैमिली सपोर्ट के बिना तो देखिए पुलिस की नौकरी करना आसान नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है. मैंने कहा कि जब मैं जैसलमेर था, शुरू शुरू में बहुत जोश था, रात दिन भागते थे, 24 में से 18 घंटे काम करते थे, नाइट स्टे मैंने खूब किए हैं बाहर जैसलमेर में रहते हुए. ऐसे में यदि आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे तो आप ये नौकरी नहीं कर सकते जी. आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छुट्टियां भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल से मिलती हैं. आने जाने वाले खूब होते हैं घर पे, तो उनको आने जाने वालों को बिठाना, उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, ये सारा करना, तो बड़ा फैमिली के लिए थोड़ा सा ये नौकरी जो है कष्टकारी होती है. कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि छुट्टियां बहुत कम मिलती है पुलिस विभाग में, उस वक्त कैसे मैनेज करते हैं तमाम चीज़ें? अब तो आपको हैबिचुअल हो गए होंगे, फैमिली भी हैबिचुअल हो गई, उस वक्त किस तरीके से मैनेज किया? ये बात सही है, अब तो आदत पड़ गई, अब तो ये लगता है अब तो छुट्टी मांगते हैं ऐसा लगता है कि हम कोई अपराध कर रहे हैं जी जी. तो इसलिए छुट्टी, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हम समाज से कट गए हैं, अपने परिवार से कट गए हैं, अपने दोस्तों से कट गए हैं. ये बात सही है, बड़ा अच्छा फील नहीं होता था कि शुरू शुरू में जब हम नौकरी में आए और छुट्टियों के लिए, जैसे ट्रेनिंग टाइम में तो हम बहुत परेशान होते थे कि छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती थी, तो बहुत बुरा फील होता था, लेकिन अब आदत पड़ गई. एक बार आपको भी सर ऐसा लगता है कि अब क्योंकि मैं खुद यूनिफॉर्म सर्विस में हूँ, तो मेरे बच्चे या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, क्या कई बार वो भी आपसे चर्चा करते होंगे, तो आपको लगता है कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है क्या वो भी इतनी इंटरेस्ट लेती है आपके संघर्ष को देख के? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है. मैं फिर इसमें ये कहूँगा कि ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है. अभी भी बिल्कुल संघर्षशील लोग हैं, अभी भी नौकरी में जो कई यंगस्टर्स आते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको उनके जीवन प्रेरणास्पद जीवन होता है. तो ये कोई ऐसा नहीं है, कई बार हम सोचते हैं कि साहब सिस्टम में गिरावट आ रही है या नई पीढ़ी में कुछ
कमतर कमिटमेंट है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है। मैं फिर कहूंगा उसको संस्कार कैसे मिले हैं, उसका परिवार कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वो कैसे वातावरण से निकला है, इस पे डिपेंड करता है। बाकी अच्छे और बुरे लोगों का रेशियो ने कभी बदला है ना, शायद बदलेगा नहीं। जी एक बहुत अच्छी एक बात मेरे को याद आ रही है कि अशोक जी, बहुत से आज मार्केट में ऐसे गेम्स आ चुके हैं जो खतरनाक है, आपने भी कई ऐसे बच्चों को बचाया है जो ऑलमोस्ट मरने वाले थे, तो सोशल मीडिया पे जो आजकल जो खतरनाक गेम आ रहे हैं उसके लिए आपने क्या किया है और उन बच्चों को किस तरीके से बचाया वो जानना चाहूँगा। और एक चीज़ और, माँ बाप को क्या सहयोग देना चाहिए इन तमाम गेम्स के लिए? दो इंसिडेंट मेरे अभी हुए हैं जिनमें बच्चे ये खतरनाक गेम खेल करके और खतरनाक स्थिति में पहुँच गए। एक बच्चा तो हमारा शायद मैं ये मानता हूँ कि शायद आधा घंटे की डिले हो जाती तो शायद वो सुसाइड कर लेता। वो मुंबई पहुंच गया था ऐसा गेम खेलते खेलते, और वहाँ जा कर के उसने हमने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। हमें जो ही पता चला घर वालों से कि बच्चा इस तरह से निकल गया है, हमें पता चला कि सारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि वो कोई ऐसे जो गेम्स जो चलते हैं उनके किसी चंगुल में फंस गया है, तो हमने तुरंत हमारी टीम बॉम्बे भेजी और वहाँ से उसको रेस्क्यू किया। यदि हम लेट हो जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो घर वालों को भी क्या है कि ये इसकी इसकी बिल्कुल बहुत स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। यदि कोई एनालिसिस करे घर वाले तो स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, बच्चा गुमसुम हो जाता है, अकेलापन हो जाता है, कटने लगता है, दोस्तों से कटने लगता है, परिवार से कटने लगता है, स्कूल जाना बंद कर देता है, अपना स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं करता है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, लक्षण है उसके, उससे पता चल जाता है कि ये कोई ना कोई इसके साथ अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो रही है। तो ध्यान रखना चाहिए माँ बाप को, पेरेंट्स को, कि अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें। और यदि अभी तो मोबाइल करें क्या आम हो गया है, बाकी मोबाइल मैं तो मानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल जैसी चीज बच्चे के हाथ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये संभव नहीं है शायद। ये तो सोशल मीडिया के गेम्स की बात हुई, और लेकिन ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपकी भी क्या हॉबीज हैं खेल को लेकर के, आपकी क्या रुचि है और आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं या आप किस प्रकार से समय निकालते हैं वर्कआउट के लिए? अब तो हॉबीज तो खत्म हो गई हैं, खेलने वाली स्थितियां तो अब शायद उतना समय वास्तव में नहीं मिल पाता होगा। वैसे मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक रहा है और मैंने खूब खेला है बचपन में, लेकिन अब खेलने जैसी फुर्सत तो नहीं मिल पाती है, लेकिन मैं देख जरूर लेता हूँ। अभी भी मुझे बहुत शौक है क्रिकेट देखने का, हॉकी का गेम देखने का, लाइव गेम देखने का, और मौका मिलता है तो मैं जरूर देख लेता हूँ, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिलता। जी बहुत आपने बताया किस तरीके से आप, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, लेकिन किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, वर्कलोड को मैनेज करते हैं, वो मूल मंत्र आज क्या है आपका कि आप किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा, तो वो मूल मंत्र क्या है आपका? देखिए स्ट्रेस मैनेज करने का तो वैसे मैं मेरी पर्सनल लाइफ में तो मैं मेडिटेशन भी करता हूँ और योगा भी करता हूँ, थोड़ा सा मैं समय दे पाता हूँ सुबह शाम, लेकिन स्ट्रेस मैनेज करने का चलिए ये एक साधन हो सकते हैं, योगा और मेडिटेशन भी एक साधन हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बढ़िया है कि आप हंसमुख रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, हमेशा एक पॉजिटिविटी दिमाग में रखें जी। और ये समस्याएं हर एक के जीवन में आती हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती हों। भगवान राम और भगवान कृष्ण ही समस्याओं से नहीं बचे, तो आदमी की तो औकात क्या है, तो इसलिए समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती हैं, उस समस्याओं से हर समस्या का कहीं ना कहीं हल है, कोई डेड एंड गली नहीं है कि आप कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते, किसी का कम हो पाता है ज़्यादा हो पाता है, लेकिन जीवन में पॉजिटिविटी रखें तो सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, एक रचनात्मक और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट व उस वातावरण में रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका जो मस्तिष्क है वो बेहतर काम कर सकता है। अब जिस प्रकार से बात हो रही है आपकी हॉबीज़ को लेकर के भी, तो क्या ऐसे में कभी कभी आप परिवार के साथ भ्रमण का भी कोई ऐसा कार्यक्रम बनाते हैं सालाना, या छः महीने में आपने कुछ ऐसा संकल्प ही ले रखा है कि नहीं 5 दिन तो बाहर जाना ही है, मन थोड़ा सा बदलेगा, नई जगह को देखें, नया अनुभव लें? नहीं जाते हैं हम, साल में एक बार तो कम से कम 5-7 दिन बाहर घूमने का समय अवश्य निकालते हैं। कुछ हमारे नौकरी में भी जैसे हमें ये सुविधा मिलती है कि ऑन सरकारी खर्चे पे भी हम घूमने जा सकते हैं, इंडियन सर्विसेज के लोगों को इस तरह की सुविधा है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे भी अभी जैसे हम जाकर के आए थे सोमनाथ, द्वारिका और गिर फॉरेस्ट हमने देखा, जहाँ पर जंगल में शेर घूमते हैं वो हमने देखा, तो हम 5-7 दिन का ऐसा टूर बना के भी विद फैमिली गए थे, और तो इस तरह का समय निकाल लेते हैं, बिल्कुल जाते हैं और
ऐसा समय परिवार और कहीं ना कहीं निकालने की ज़रूरत भी होती है, ज़रूरी भी होता है। आप इतना काम करते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें ज़रूरी होते हैं। बात करूँ, आपने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी शांति मिशन में, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपसे जानना चाहेंगे। शांति मिशन का मैं तो मेरी नौकरी के जो दो जब सबसे बेस्ट पार्ट में, एक तो मेरी जैसलमेर की नौकरी जो शुरुआती नौकरी वो, और सेकंड मेरा पार्ट शांति मिशन, यूएन का शांति मिशन। ये एक साल हम रहे वहाँ पे और बहुत अच्छा समय वहाँ पे निकला हमारा। मैं बोस्निया, जो यूगोस्लाविया पहले एक देश हुआ करता था, उसके चार पाँच टुकड़े हो गए, उनमें से एक कंट्री है बोस्निया, और मैं 2002 में वहाँ पे गया था। एक साल 13 महीने हम लगभग वहाँ पर रह के आए और बहुत अच्छा अनुभव। कम से कम 50 देशों के पुलिस ऑफिसर्स हमारे साथ थे, उनका उनकी काम करने की प्रणाली, उनसे कुछ वो हमसे सीखे होंगे, कुछ हमने उनसे सीखा, लेकिन एक आदमी का एक दिमाग जो है वो बहुत कहीं ना कहीं, जो आपने जैसा बात कहा, एक विजन जो है उसमें और एक शार्पनेस आती है, एक तेज़ी आती है। क्योंकि मुझे, मैंने ऐसा सुना है, वहाँ पर जाने के बाद में जब आप उनके साथ में आप ट्रेनिंग करते हैं तो कहाँ पर जाकर के गाड़ी को टर्न करना है, कहाँ पर कैसे मतलब पकड़ना है किसी अपराधी को, या वहाँ पर जो एक फ्रीडम ऑफ वर्किंग है, कई बार अपनी प्रणाली में और वहाँ की प्रणाली में भी बहुत अंतर है। खुद को खाना ही वहाँ पे बनाना पड़ता है, तो सब अपने अपने काम बांट लेते हैं, तो रोटी बना लेना, मैं सब्जी बना लूँगा, तो क्या इस तरह के भी अनुभव आपके रहे, और उस समय में आपने फैमिली को कैसे मिस किया? वहाँ पर ये बात सही है कि सहयोग के साथ काम करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति का वहाँ कंसेप्ट अलग होते हैं, कई चीज़ों को हम बुरा मानते हैं वो बुरा नहीं मानते। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें वहाँ पर इतनी वो टॉलरेट करते ही नहीं हैं। जैसे मैं मेरे को याद आता है एक, कि जब हम गए तो हमारा वहाँ पर क्या है कि जैसे अपन तो यहाँ लेफ्ट चलते हैं जी, गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड पर चलती है, वहाँ पर गाड़ी राइट साइड पर चला, ड्राइवर नहीं मिलता वहाँ पर। अब जाते ही हमारा टेस्ट हुआ वहाँ ड्राइविंग का, कि भाई आपको राइट साइड में चलना है, तो आप नए, आप तो ऐसे देश से आए हैं जहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, तो वहाँ पर हमारा टेस्ट हुआ। कितनी वहाँ पर उसकी सख्ती, और वो लोग पालन करते हैं उसका, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ, तो फर्स्ट टेस्ट में क्या हुआ कि मैं जब गाड़ी चला रहा था तो एक आदमी जो है वो फुटपाथ से, और उसने एक पाँव नीचे रोड क्रॉस करने के लिए एक पाँव नीचे रख दिया था। मैंने मेरी गाड़ी बराबर चलाते रहा, मैं चलाता ही थोड़ी दूर आगे जाके जो मेरा टेस्ट ले रहा था मॉनिटर, उसने कहा स्टॉप। मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, बोले दैट मैन वाज क्रॉसिंग द रोड, और आपको उसके बावजूद भी आप गाड़ी चला रहे हैं। पेडेस्टेरियन जो होता है उसकी प्रायोरिटी है रोड पर, आपकी गाड़ी की प्रायोरिटी नहीं है। आदमी इंपॉर्टेंट है, गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पैदल जाने वाला यात्री है उसकी प्राथमिकता है। आपको क्या करना चाहिए था कि आपको गाड़ी वहीं रोकनी चाहिए थी जी। और उस पेडेस्ट्रियन को कहते कि आप क्रॉस करिए, फिर मैं गाड़ी चलाऊं, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस होना चाहिए जी। उन्होंने मुझे फेल कर दिया जी, टेस्ट जी, जी। तो और ये वहां पर ऐसा नहीं है कि केवल मतलब टेस्ट में ही ये उसका वो करते हैं, लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लॉज बनते जब तक हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको पालन नहीं करेंगे, वो बात नहीं बनेगी। अशोक जी, जहाँ जहाँ भी आप आते हैं वहाँ अच्छे रिजल्ट आना शुरू करते हैं, आपकी सोच जो है बहुत क्रिएटिव है, ये सोच आपको कहाँ से मिलती है, वो ताकत आपको कहाँ से मिलती है? मैं ये मानता हूँ कि लोगों को देख के ही ये ताकत मिलती है, लोगों को देख के, लोगों को जब लगता है कि हाँ मेरे काम से लोग सेटिस्फाइड हैं, लोगों को लगता है कि यार ये आदमी ठीक काम करता है, आपको एक फीडबैक मिलता है जी। वैसे तो देखिए ऐसा है कि कोई आदमी मुंह पे बुराई बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यदि आप अपना सही फीडबैक लेना चाहें तो आपको मिलेगा, ये बात तय है जी। मैं फीडबैक लेता हूँ, मैं पता करता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे काम में कहाँ कमी है, मैं कैसे इसको और सुधार कर सकता हूँ, ये मेरी प्रेरणा है। जैसे कहते हैं ना सर कि अच्छा शासक वही होता है जो प्रजा से फीडबैक लेता रहता है, ऐसे में जब तक आप लोगों से उनके दर्द को, तकलीफ को नहीं जानेंगे, वो क्या महसूस करते हैं, तो अपन बेहतर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप और क्या मानते हैं आने वाले समय में, आपका और क्या लक्ष्य है कि मैं आने वाले साल में 5 साल को ऐसे देखता हूँ? देखिए ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि बात वही आती है कि आपको ये एक सौभाग्य मिला है ऐसी, मैं तो फिर ये मानता हूँ कि जैसे हम छोटे से गाँव में हमारा जन्म हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ, और ईश्वर ने और पता नहीं क्या किस तरह की परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन आज डीआईजी रैंक पे
पोस्टिंग है, डीआईजी रैंक तक हम पहुंचे हैं और एक प्रमोशन इसके बाद अभी और होगा, आईजी रैंक पे जाके रिटायर होंगे, तो इतना बड़ा जीवन में एक मिला है। तो मैं तो ये सोचता हूँ मेरे विजन की ये ईश्वर ने हमें जो ये प्रसाद दिया है, ये ईश्वर ने जो हमें एक कृपा की है, उस कृपा का हम कितना ऋण उतार सकते हैं ईश्वर का। सही बात है, सही बात है, हम इस ऋण को कितना उतार सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। जाते जाते हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि तनाव रहित रहें, जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और ये माने कि ये जो सुंदर जीवन हमें मिल रहा है, इस सुंदर जीवन को हम कैसे जन कल्याण के लिए समर्पित कर सकते हैं। अपना जीवन तो सुधारना है ही, लेकिन दूसरों का जीवन हम कैसे सुधार सकते हैं, यही प्रेरणा लें। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया। दोस्तों देखा आपने कि आज अशोक जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें आप बताई, उम्मीद करता हूँ बहुत सी चीज़ें आपने नोट कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे अंकित सेन को दीजिए इजाज़त। राम राम। राम राम। नमस्कार।